मित्रों, जो लोग गायत्री की साधना कर रहे हैं उनके फोन कॉल्स आते हैं और फोन पर जब वो समस्याओं का समाधान पूछते हैं गायत्री साधना के बारे में, तो उनके अंदर इतनी भ्रांतियां रहती हैं कि बहुत समय लग जाता है उन्हें समझाने में। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ भाई बहन व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं और घंटों तक जो है एक प्रश्न में से हजारों प्रश्न निकाल करके पूछते जाते हैं और उनकी शंकाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करने के लिए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना कर रहा है, वो व्यक्ति यदि इस वीडियो को सुनेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर की समस्त शंकाओं का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका यदि आपके मन में है तो इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम बहुत सारे बिंदुओं को लेंगे और आपकी एक एक करके शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन जिसकी जिस प्रकार की शंका होगी उसको आगे बढ़ा करके आप अपनी शंका का समाधान उसमें देख सकते हैं। और संभव हो सका तो हम वीडियो के प्रारंभ में एक लिस्ट दे देंगे, उसमें बता देंगे कि कौन सी समस्या का समाधान कितने मिनट तक बताया गया है, उसके बाद फिर कौन सी समस्या का समाधान है। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके अपनी समस्या का समाधान उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो निश्चित रूप से गायत्री की जो साधना कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, बीमार था। उसने अपना इलाज कराया और उसकी 10 रुपया फीस उसको दी। डॉक्टर ने उसे 2 गोलियां देते हुए बोला कि आप ये 2 गोलियां खाएंगे तो आप निश्चित रूप से शाम तक जो है आप चंगे हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति दोनों गोली को लेकर के जाने लगा तो उसने फिर प्रश्न किया डॉक्टर से कि आपने बताया नहीं कि ये गोलियां हमें किससे खाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप चाय या दूध के साथ ले सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपने फिर हमें संशय में डाल दिया, आप एक चीज़ बताएं, चाय से लें या दूध से लें। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दूध से ले सकते हैं। अब उसने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा कि किसके दूध से लें, गाय के दूध से लें या भैंस के दूध से लें। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करें, गाय के दूध से ले लें। लेकिन बोले यदि गाय नहीं मिले तो बोले आप किसी के भी दूध से ले सकते हैं, लेकिन दूध होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे यहाँ तो न गाय है न भैंस है, मेरे यहाँ तो सिर्फ बकरियाँ हैं, तो क्या मैं बकरी के दूध से ले सकता हूँ। डॉक्टर बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला ठीक है, आप बकरी के दूध से ले लें। अब आप जाएं, और भी कस्टमर बाहर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको देखना है, आप मेरा समय जो है नष्ट कर रहे हैं। उसने बोला भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका पेशेंट हूँ, मैंने आपको फीस दी है, और जब फीस दी है तो मैं पूर्ण चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होगा आपको बताना चाहिए।
तो डॉक्टर ने पूछा, ठीक है पूछो क्या और पूछना है आपको, क्या संदेह और है। तो उसने बोला कि भाई ठीक है आपने दूध तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि गर्म दूध से पीना है कि ठंडे दूध से पीना है। अब डॉक्टर ने बोला कि अब इसको मैं क्या बोलूँ, तो उसने बीच की चीज़ बोल दी कि आप कौन कौन दूध से पी लें। तो बोले कौन कौन दूध से किस में पीना है, कटोरी में पीना है कि गिलास से पीना है। बोला आप किसी से भी पी सकते, कटोरी में पी सकते, गिलास से भी पी सकते हैं। तो बोले यदि मैं गिलास से पीता हूँ तो अपने हाथ से पीना है कि किसके हाथ से पीना है। बोले आप अपने हाथ से भी पी सकते हैं। तो बोले क्या मैं अपने मुन्ने की मम्मी के हाथ से पी सकता हूँ। तो डॉक्टर को भी हंसी आ गई, उसने बोला कि हाँ आप मुन्ने की मम्मी के भी हाथ से पी सकते हैं। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। बोले नहीं आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और बोले यदि मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो। बोले नहीं आप कैसे स्वस्थ नहीं होंगे। नहीं बोले यदि मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर आपको मेरी फीस वापस करना पड़ेगी। डॉक्टर ने उसको 10 रुपया दिया और बोले भाई तू जा, मैं थक गया, तुझे जैसा करना वैसा कर। मित्रों यह सब हम ही साधकों की कहानी है। जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। साधना तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी किताबें पढ़ लेते हैं, किस किस के वीडियो सुन लेते हैं, और उसके पश्चात में इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि फिर जो है हम कई प्रकार के प्रश्नों के अंदर घिर जाते हैं, और फिर हम जो साधना करते हैं उसमें फिर हमारा मन नहीं लगता है। तो जब हम साधना करने बैठते हैं तो व्यक्ति के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। अब विचार आता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना क्यों करें, ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों है, बाकी समय पर क्यों नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में हमने वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय एक विशेष प्रकार का समय होता है। साधना के लिए विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष प्रकार का समय बताया गया है। जैसे नवरात्रि का जो 9 दिन का समय होता है, उस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है, 2 ऋतुओं का मिलन होता है, एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु आती है। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा जाता है और उजाला आता है। 2 समय साधना के लिए मुख्य माने गए हैं, एक तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा सायंकालीन सूर्य अस्त होते समय। सूर्य अस्त के समय प्रकाश जाता है और अंधकार आता है, 2 चीज़ों का मिलन होता है। तो जब जहाँ 2 चीज़ों का मिलन होता है वो समय जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मुहूर्तों का हमारे शास्त्रों में विशेष विधान है, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त के आधार पर ही करते हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। उस समय सूर्य की जो किरणें रहती हैं वो बहुत सौम्य रहती हैं, और जब हम साधना करते हैं तो जो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उससे हमारे अंदर विशेष प्रकार की शक्ति की ऊर्जा उत्पन्न होती है। समस्त देव शक्तियाँ, समस्त जो ऋषिगण हैं जो तपस्या में लीन हैं, वो इस समय उस सूर्योदय होते समय भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए जाते हैं। उस समय यदि आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से आपको वो निहाल करते हुए भी जा सकते हैं। तो सूर्योदय का समय प्रकृति का एक विशेष प्रकार का समय होता है, जब प्रकृति अपने आप को फिर से मथती है। उस समय जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उनसे विटामिन डी निकलता है। विटामिन डी जो है वो सात्विकता लाता, हमारे अंदर सात्विक विचार लाता, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार लाता है। तो जब आप साधना करते हो, यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार नहीं आ रहे तो फिर आपकी साधना करना निष्फल हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से माना गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें
साधना करना चाहिए। अब लोगों के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम सो करके उठ जाते तो क्या नहाना जरूरी है? ईश्वर के पास बैठने के लिए व्यक्ति को पवित्र होना जरूरी है, इसलिए जब हम षट कर्म करते हैं तो उसमें पवित्रीकरण का कर्मकांड किया जाता है। हम स्नान करके आ जाते हैं लेकिन इसके पश्चात भी पवित्रीकरण क्यों करते हैं? ताकि हम सही तरीके से पवित्र हो जाएं। आचमन करते हैं कि हम मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएं। तो ये शिखाबंधन न्यास की क्रिया इसी के संदर्भ में की जाती है। भगवान के पास में बैठने के लिए व्यक्ति को अंदर से बाहर तक पवित्र होना पड़ता है। एक जो है स्नान करने से पवित्र होता है, दूसरा मन वचन कर्म से उसको पवित्र होना चाहिए। तो यदि आपको पूजा स्थली पर बैठ करके साधना करना है तो आपके लिए जो है उस समय पवित्र होना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है। अन्यथा आप बिस्तर पर बैठे बैठे सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हैं। इसके संदर्भ में भी हमने वीडियो डाला हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो करके उठते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे किस प्रकार से आप गायत्री का मानसिक जाप कर सकते हैं और अपनी समस्त समस्याओं का समाधान उस समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए आप सुनेंगे तो आपको उनसे बहुत सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। अब इसके बाद में लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं कि पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं कि उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर। मित्रों, जब कभी शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व दिशा की ओर बोला होगा तो पूर्व दिशा इसलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और जो कि आपको विटामिन डी देती हैं, आपके अंदर सात्विकता लाती हैं। और सूर्य अस्त होते समय जब आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठते तो उस समय भी उसकी जो किरणें रहती बड़ी सौम्य रहती हैं। सूर्योदय जब होता है उसके आधा एक घंटे के पश्चात में आप यदि धूप में बैठें तो उन किरणों को आप जो है आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा धूप लगने लगेगी, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। जो सौम्यता उस समय आती है वो चीज़ नहीं रहेगी। इसी प्रकार से सूर्य अस्त के समय रहता है। लेकिन आज के समय पर क्या हुआ है कि पहले जो है कृषि प्रधान देश था, गाँव में मकान रहते थे, बाहर लोग बैठ करके साधना करते थे, खुले में साधना करते थे, नदी के किनारे साधना करते थे, कोई पर्वत पर बैठकर पहाड़ पर जाकर के करता था साधना, कोई नदी के किनारे, कोई गंगा के तट पर जाकर करता था। उस समय इतनी भीड़भाड़ भी नदियों के किनारे पर नहीं रहती थी। अब तो आप 4 बजे भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी, शाम के समय पर भी जाएंगे तो आप बैठ नहीं सकेंगे। तो एकांत उस समय रहता था, तो एकांत में साधना व्यक्ति करता था और उस समय सूर्य की किरणें व्यक्ति के ऊपर सीधी पड़ती थी, इसलिए दिशाओं की बात की गई थी। लेकिन आज के समय पर लोग फ्लैटों में रहते हैं। अब फ्लैट में आप रह रहे हैं, जहां आपका मकान है उसकी इस साइड भी बिल्डिंग है, इस साइड भी बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग घिरी हुई है। तो आप जब पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा में बैठे हैं, किसी भी दिशा में बैठेंगे तो आपको उसकी सूर्य की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो इस सब चीज़ों में भ्रांतियों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। उसका सिर्फ अर्थ यही होता है कि जब हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं तो हमारे अंदर जो है उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो बड़ी सौम्य रहती हैं और उस समय हमारे अंदर सात्विक विचार आते हैं, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग फ्लैटों में रहते हैं जिनके पास में ज़्यादा जगह नहीं रहती है, अब ऐसी स्थिति में वो क्या काम करेंगे? अब उनके घर में ईशान कोण में मंदिर रखने की जगह नहीं है तो कई लोग किचन में रख लेते हैं, कई लोग अपने बेडरूम में रख लेते हैं। अब फिर उन्होंने वीडियो सुन लिया कि भाई बेडरूम में जो है पूजा स्थली नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति बड़े भयभीत हो जाते हैं कि अब हम पूजा करें तो करें कहाँ। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि जगह की कमी है वहाँ पर व्यक्ति को ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए। ईश्वर ये चाहता है कि आप सिर्फ मेरे पास में बैठें। उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। आप यदि धूप में बैठते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हों आपको धूप तो लगेगी, आपके अंदर धूप के जो है गुण आएंगे। आप अग्नि के पास में बैठे हैं, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ जाएं लेकिन अग्नि यदि चारों तरफ जल रही, आप चारों तरफ में कहीं भी बैठ जाएंगे आपको अग्नि का एहसास तो होगा, आपको उसके गुण तो आएंगे। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, सब जगह विराजमान है, परमात्मा हर जगह बैठा हुआ है।
तो इन चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े शहरों में आजकल जो है फ्लैटों का सिस्टम चल रहा है, फ्लैट में व्यक्ति किस प्रकार से इन सब चीज़ों का पालन कर सकता है। अब यदि आप पति पत्नी रह रहे हैं, 1 BHK का आपका मकान है और आपके यदि माता पिता और आ गए, तब फिर आप क्या काम करेंगे? अब उन्होंने बोला कि जो है उत्तर की तरफ सरणी करने चाहिए, दक्षिण की तरफ करने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ मतलब ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी और कहाँ कहाँ आप पूजा स्थली को लेकर के घूमेंगे। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप कि हमको हमने किस तरफ सिर रखा है, किस तरफ हमारे पैर हैं। जब आप लंबी यात्रा करते हैं तो कई बार जो है दिशाएं बदलती रहती हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इस प्रकार के लोग भ्रांतियों में पड़ जाते हैं और उसके पश्चात में फिर जो है वो बड़े भयभीत हो जाते हैं। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ आ जाती हैं। अब हमने सुन लिया कि भाई प्रतिदिन जो है 3 माला का जाप करना है। किसी दिन संयोग बस ऐसा हुआ कि आप 3 माला का जाप नहीं कर पाए, तो फिर तुरंत फोन आता, आचार्य जी बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई पाप तो नहीं लग जाएगा? आज हमने जो है 3 माला की जगह 1 ही माला का जाप कर पाए, या आज हम पूजा ही नहीं कर पाए, आज हम जो है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं उठ पाए। अरे भाई, आप ईश्वर के पास बैठो तो सही। ईश्वर सिर्फ ये चाहता है कि आप मेरे पास में कितनी देर तक बैठे हैं, और जितनी देर तक बैठे उतनी देर तक आप जो है भाव से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ईश्वर सिर्फ भाव का भूखा होता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितने मंत्रों का जाप किया, आपने सही मंत्र जपा कि नहीं जपा। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बोलना नहीं जानता, लेकिन माँ उसको देख करके समझ जाती है। जब तक बच्चा नहीं बोलता तब तक माँ उसका पूरा पूरा ध्यान रखती है। वो तोतली भाषा में भी बोलता है, माँ उसकी स्थिति को समझ जाती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ के स्तन से दूध आना चालू हो जाता है, वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन जैसी जैसी बच्चा बड़ा होते जाता है और वो बोलना ज़्यादा चालू कर देता है, उसके पश्चात माँ उससे निश्चिंत होते हुए चली जाती है, फिर माँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो इसी प्रकार से जब तक हम जैसे हम कर्मकांड में उलझे और हम ईश्वर से दूर होते हुए चले जाएंगे, कि हम पहले गणेश का आवाहन करें कि गुरु का आवाहन करें, कि पहले गायत्री मंत्र का जाप करें कि गणेश मंत्र का जाप करें कि शिव के मंत्र का जाप करें। कई लोग तो इतने सारे मंत्रों का जाप करते हैं कि कोई भगवान ऐसा है कि वो छूट न जाए, तो फिर वो बड़ी भ्रांति में पड़ जाते हैं कि पहले महामृत्युंजय का जाप करें कि गायत्री मंत्र का जाप करें, गणेश का जाप करें कि लक्ष्मी का जाप करें कि शिव का जाप करें। तो बड़ी भ्रांतियों में लोग रहते हैं। लॉजिक को समझना चाहिए। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन क्यों किया जाता है? भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। विघ्नहर्ता का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले जो है एक सुरक्षा का दायरा बनाते हैं। आपने मकान खरीदा तो सबसे पहले आप सुरक्षा के दायरे के लिए बाउंड्री वॉल बनाते हैं, वहाँ पे एक अच्छा खासा दरवाज़ा बनाते हैं। तो जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले दरवाज़ा को खोलेंगे, क्योंकि वो आपका सुरक्षा घेरा है, वहीं से जो है आपके लिए घर में प्रवेश मिलेगा। तो भगवान गणेश कोई भगवान है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश भगवान को पूजने का सिर्फ यही अर्थ है कि कोई भी जब हम शुभ कार्य कर रहे हैं उसी में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न पैदा ना हो, तो इसलिए पहले विघ्नहर्ता को का पूजन किया जाता है। यानी आपने यदि मकान बनाया तो उसके पहले आपको बाउंड्री वॉल बनाना पड़ेगी। आप कार में यदि बैठ गए और उसमें यदि दरवाजे नहीं हैं तो आप कैसा करेंगे? आप तो गिर जाएंगे। तो उसके सेफ्टी के लिए आपको जो है पहले खिड़की उसके दरवाजे बंद करना पड़ता है। छोटा बच्चा बैठा है तो कांच बंद करना पड़ता है। तो कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान गणेश को का पूजन किया जाता है, इस कारण से किया जाता है। गुरु का आवाहन सर्वप्रथम इसलिए किया जाता है क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव,
बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु वह माध्यम है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें मृत्यु से अमृत्व की ओर ले जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को, ऐसे सदगुरु को सर्वप्रथम उसको पूजा जाता है। उसके पश्चात में फिर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो पूजा करते समय कुछ चीज़ों का, एक चीज़, दो चीज़ें आप गांठ बांध करके रख लें कि भगवान को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो आपके मंत्रों की गिनती करे कि आपने कितने मंत्र का जाप किया। आप 11 माला का जाप करने वाले थे, आपने 10 माला का जाप क्यों किया? आपने जो है हमारे गायत्री मंत्र जपने के पहले आपने गणेश का मंत्र क्यों जाप कर लिया? ईश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होता है। भगवान सारे एक हैं। जैसे कि वृक्ष जो है वो एक होता है, उसका जो बीज है, उसकी जो जड़ है, तो जो व्यक्ति जड़ को पूजता है, जड़ में यदि आप झाड़ को पानी देंगे तो वो फलेगा फूलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं, उसकी डालियों को, उसके पत्तों को पूजना चालू कर देते। उसके यदि आप किसी वृक्ष में उसके पत्तों को पानी देंगे, उसकी टहनियों को पानी देंगे, तो झाड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। गायत्री जो है वो जड़ है, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी पूरी शाखाएं हैं। तो एक को सादे सब सदे, यदि आप जड़ पर पानी देंगे तो पूरा वृक्ष वैसी सज जाता है, पूरा वृक्ष वैसी फल फूल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पहले टहनियों को, कभी पत्तों को, कभी फल फूल को, ये सब चीज़ों को पूजने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम जो है बड़े भ्रम में, बड़े जंजाल में पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम साधना करते हैं तो भाव के साथ में बैठें। ईश्वर भाव का भूखा होता है। जिसकी जैसी भावना होगी ईश्वर उसे वैसे ही दिखाई देता है। ईश्वर को आप जिस रूप में चाहेंगे, मीरा ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहा, उन्होंने पति के रूप में दर्शन दिए। सुदामा ने सखा के रूप में देखा, उनको सखा के रूप में दर्शन दिए। गोपिकाओं ने प्रेमी के रूप में देखा तो प्रेमी के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से ईश्वर को देखता है उस तरीके से भगवान आपके समक्ष आता है। इतनी सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में फैला दी गई हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये काम करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। नरक और स्वर्ग की व्याख्याएं मनुष्यों ने बनाई है। यदि हमारे भारतवर्ष में यदि आप नरक की व्याख्या देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि व्यक्ति को जो है कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जलते हुए जो है खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, अग्नि में जो है उसको डाल दिया जाता है। तिब्बत में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि आपको जो है बर्फ़ में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का बर्फीला जो है बर्फ़ ज़्यादा होता है। तो जिस चीज़ से जिस व्यक्ति को परेशानी होती है वो चीज़ बताई जाती है। हमारे यहाँ लोगों को जो है गर्मी से परेशानी। अब यदि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये लिख दिया जाए कि आपको एक ठंडे स्थान पर रख दिया जाएगा जहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही, तब तो आपको ऐसा लगे कि हम शिमला पहुँच गए, हम कश्मीर पहुँच गए, तब तो आप आनंदित हो जाएंगे। तो फिर वो नरक हुआ कहाँ? लेकिन नरक की व्याख्याएं यदि दो जगह अलग अलग हो रही हैं, अन्य जगह पर अलग अलग हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ नरक नहीं है। स्वर्ग की परिभाषा की जाती है कि वहाँ पर अप्सराएं हैं, अप्सराओं का नृत्य होता है। तो यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि स्त्री जो है नरक का द्वार है, स्त्री का हमें त्याग करना चाहिए, परिवार का त्याग करना चाहिए। लोग जो है परिवार को छोड़ करके हिमालय में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कामना करते हैं कि हमें जो है अप्सराएं मिले। अप्सराओं की उम्र जो है वो यौवन होती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। तो यहाँ हम जिस लड़की से शादी करते हैं वो साल दो साल के बाद में बासी हो जाती है,
यानी धीरे धीरे हमारा प्रेम खत्म होने लगता है, क्योंकि उसका सौंदर्य क्षीण होने लगता है। स्त्री को पुरुष का सौंदर्य खत्म होने लगता है, पुरुष में इस पुरुष को स्त्री के उसमें उसका जो है सौंदर्य खत्म होते हुए दिखने लगता है। लेकिन स्वर्ग की परिभाषा इस प्रकार की बताई गई कि वहाँ पर सब यौवन है, वहाँ पर जो है कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष क्या है कि जहाँ जो मांगो सो मिलेगा। अब यहाँ आप जो मांगते हो वो मिलता नहीं है, तो स्वर्ग में आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। हर जगह स्वर्ग और नरक की परिभाषा अलग अलग है। ईश्वर के पास में इतना समय कहाँ है कि आप जब आपकी मृत्यु होगी तो सिर्फ एक ही काम के लिए बैठा हुआ है कि बैठे बैठे ये देखेगा कि फलां व्यक्ति मर गया, इसको स्वर्ग दिया जाए कि नरक दिया जाए, इसकी क्या हिस्ट्री है। भगवान इस चीज़ का हिसाब किताब नहीं रखता कि आप मेरे पास में कितनी देर तक बैठे हैं। वो ये देखता है कि आप जितनी देर तक मेरे पास में बैठे उतनी देर तक आप मेरे साथ सही में बैठे या नहीं बैठे। आपका मन इधर उधर तो नहीं भटक रहा था, आप इधर उधर तो अपने मन को नहीं भटका रहे थे। हम ईश्वर के पास बैठते ही नहीं हैं। एक व्यक्ति एक संत के पास में पहुंचा, कुछ दिन तक उनकी सेवा की और बोले, महाराज आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुझे भी कोई आप मंत्र दे दें ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकूं, मुझे भी कोई मंत्र सिद्ध हो जाए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद में उन्होंने एक कागज़ में ऐसी कुछ भी लिख दिया। उसने बगैर पढ़े लिखे और जाने लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने आज मुझे मंत्र दे दिया है, अब मैं भी निश्चित रूप से ऐसी संत बन जाऊंगा। जैसे वो जाने लगा तो वो महात्मा ने उनको बुलाया, बोले इधर सुनो, बोले जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो बंदर को का ध्यान मत करना, बंदर को याद मत करना। अरे बोले आप क्या बात करते, मैंने तो बंदर को कई जन्मों से नहीं देखा है, हमारे गांव के आसपास कहीं बंदर रहते ही नहीं हैं, बंदर का कभी ख्याल ही नहीं आता है, मैं क्यों बंदर को याद करूंगा। वो चला गया। बड़े जल्दी बढ़िया दूसरे दिन सुबह उठा, स्नान आदि करने के पश्चात में जैसे वो पूजा स्थली की तरफ बढ़ा उसे बंदर की याद आने लगी। पिताजी सामने दिखे तो उसमें उन्हें बंदर दिखाई देने लगा, बच्चा सामने दिखा उसमें उसे बंदर दिखाई देने लगा, पत्नी दिखी तो पत्नी में भी वो बंदर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जैसे पूजा करने के लिए बैठा तो उसे बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। तो उसने देखा कि मैंने कभी बंदर को याद किया नहीं, मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में भी इसी प्रकार की घटना घटती है। हमें जब कोई व्यक्ति बता देता है कि जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, या आप किसी चीज़ का चिंतन ना किया करें, आपके अंदर यदि किसी प्रकार की भी कोई भी वासना उठती है तो उसे आप ध्यान ना किया करें, तो जितना ज़्यादा आपको जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उतनी ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ जो है वासना बन के निकलती है। आपको बता दिया जाता है क्रोध मत करो तो आपके अंदर क्रोध ही क्रोध आता है। आपको बोल दिया जाता है कि आपको वासना उस समय आपको जागृत नहीं करनी चाहिए, आपको जो है लोभ नहीं करने चाहिए, आपको मोह नहीं करने चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं मांगने चाहिए, तब फिर क्या होता है कि आप साधना करने बैठेंगे आप भगवान के सामने मांगते मांगते चले जाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए मना किया जाता वही चीज़ उस समय आपके सामने प्रकट होते हुए चली जाती है। तो ईश्वर के पास में हम निर्विकार होकर के नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए वो चीज़ हमें फलित नहीं हो पाती है। तो ईश्वर के पास बैठें लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बैठें, दूसरों के अनुभव उधार लिए अनुभव पर जो है हमें नहीं बैठना चाहिए। हम हमेशा क्या काम करते हैं कि दूसरे के अनुभव के आधार पर साधना करते हैं। हमने कोई वीडियो के माध्यम से बता दिया कि ऐसे ऐसे करने से जो है गायत्री मंत्र फलित होता, आप वैसी वैसी करने लगेंगे। एक व्यक्ति हवाई जहाज से जबलपुर से बॉम्बे जाता है और एक व्यक्ति ट्रेन से जाता है, एक व्यक्ति बस से जाता है, एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाता है। सबके अनुभव अलग अलग होंगे। हवाई जहाज वाला लिखेगा
कि नीचे जो है मनुष्य बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, नदियाँ एकदम छोटी छोटी दिखाई देती हैं, ट्रेन में सफ़र करने वाला व्यक्ति जो है वो पहाड़ों की तुलना अलग तरीके से करेगा, नदियों की तुलना अलग से करेगा, सब उसके घूमते हुए नज़र आते हैं। बस में जाने वाला अलग तरीके से करेगा, अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में जो जा रहा है वो जहाँ उसको सुंदर स्थान दिखेगा वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर अपनी वीडियो भी बनाएगा, अपनी फ़ोटो भी लेगा, वो अलग तरीके से वर्णन करेगा। लेकिन पहुँचेंगे सब एक ही जगह जा करके, जबलपुर से बॉम्बे मुंबई जो है सब पहुँचेंगे एक ही जगह से, चाहे आप एरोप्लेन से जाएँ, चाहे आप बस से जाएँ, चाहे आप प्राइवेट गाड़ी से जाएँ, चाहे आप ट्रेन से जाएँ, लेकिन पहुँचेंगे एक ही जगह। लेकिन अनुभव सबका अलग अलग होगा। अब हवाई जहाज़ वाले अनुभव वाले से लेकर के और आप यदि ट्रेन वाले रास्ते से साधना करेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, आप भयभीत हो जाएंगे कि ये कुछ बता रहा है, हमारे साथ में घटना कुछ घट रही है। तो जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय अपने अनुभव को आप देखें कि हमारे अनुभव करने से क्या हो रहा है। अब लोग बोल देते हैं कि जैसे हमने कुछ लोगों के हमारे पास में प्रश्न आए कि महाराज जी क्या हम अपनी पूजा स्थली पर एक से ज़्यादा भगवान नहीं रख सकते हैं क्या? अब हम आपको हमारे स्वयं की बात बताते हैं। हमारी पूजा स्थली पर पहले से लड्डू गोपाल थे। अब चूंकि कोरोना के कारण हमारे बच्चे जो है वो पूना से आ गए, घर बैठे उनका काम कर चल रहा है, तो उनका सारा सामान आया, तो वहाँ पर उनकी जो पूजा स्थली थी उसमें भी लड्डू गोपाल थे, तो दो लड्डू गोपाल हो गए। अब हमारी बिटिया आ गई तो बिटिया की भी पूजा स्थली आ गई, तो हमारे यहाँ पर पूजा स्थली पर तीन भगवान हो गए। पहले तीन चार थे, अब 25 हो गए, जितने भी भगवान थे वो सब तीन तीन चार चार हो गए, सबकी संख्या डबल से त्रिबल हो गई। अब हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कर रहे हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है कि दो भगवान तीन भगवान चार भगवान हो गए तो इससे कोई अनर्थ हो जाएगा, तो हमारे साथ में तो कोई अनर्थ नहीं हो रहा है। अनर्थ कब होता है? जब हम गलत भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, हमारे मन में इस प्रकार के विचार आ जाते हैं कि इसके करने से ऐसा होता है, तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छी और बुरी घटनाएं घटती रहती हैं, तो हम उनसे उनका तारतम्य जोड़ देते हैं कि शायद हमने तीन लड्डू गोपाल रख लिए, दो लड्डू गोपाल रख लिए, दो गणेश भगवान रख लिए, इसलिए ऐसा हो गया। उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियों में जब हम पड़ जाते हैं तब फिर जो है हमारी पूजा असफल हो जाती है। आप पूजन कर रहे हैं और आपने किसी से पूछ लिया कि भाई हम पूजा कर रहे थे लेकिन हमारा दीपक बुझ गया, या हम पूजन कर रहे थे लेकिन हम पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा में बैठ गए, या आज जो है हम दीपक जलाना भूल गए, या हमने आरती के बाद भोग लगा दिया, आरती के पहले भोग लगा दिया, या सूर्य को अर्घ हमने पहले ही दे दिया, तो कोई पाप लग गया क्या? अब सामने वाले ने आपको भयभीत कर दिया, तो जैसे वो भयभीत करेगा तो आपने जो भी साधना की थी, जो भी उसमें आपको सकारात्मक चीज़ें मनने वाली थी, वो सारी की सारी आपकी सोच के कारण जो है नकारात्मकता में बदल जाएंगी और आपके अंदर जो है एक अपराध बोध आ जाएगा, और आपको जो अच्छे तरीके से आपको जो दिन निकालने चाहिए था वो आपका दिन जो है विषाद में निकलेगा। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर काम करना चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को गायत्री माता महिला के रूप में दिखाई देती है, किसी को बच्ची के रूप में दिखाई देती है, किसी को नाव में बैठी हुई दिखाई देती है। जो हमारी भावना जैसी होती है, हर व्यक्ति की सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। अब मीरा ने यदि मान लो भगवान कृष्ण को पति रूप में देखा, तो आप भी यदि पति रूप में देखेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। मीरा का समर्पण अलग था, आपका समर्पण अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, मीरा का व्यक्तित्व अलग था, राधा का व्यक्तित्व अलग था, गोपिकाओं का व्यक्तित्व अलग था, आपका व्यक्तित्व अलग है। तो आप अपने तरीके से भगवान की छवि को देखें।
तो हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता, हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं वो सिर्फ ये बताई जाती है, जब आप साधना करते हो तो प्रकाश दिखाई देता। अब प्रकाश नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन यदि किसी ने बोल दिया कि गुलाबी प्रकाश दिखाई देता या नीला आकाश दिखाई देने लगता, तो फिर आप नीले के पीछे पड़ जाएंगे तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी और आपकी साधना में जो है आपको व्यवधान उत्पन्न होगा। तो अपने स्वयं के अनुभव से आपको शिक्षा लेना चाहिए, स्वयं के अनुभव से आपको सीखना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के विचार को लेकर के और फिर साधना करते हैं तो बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए जब हम साधना करते हैं तो कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो एक सूत्र हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपकी गलतियों को कभी नहीं देखता है, ईश्वर कभी नाराज नहीं होता है, ईश्वर किसी प्रकार का कोई भी पाप दंड आपको नहीं देता है। जब साधारण मनुष्य यदि आप कोई गलती करते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, आप प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते हैं, लेकिन किसी दिन आप किसी कारणवश भूल गए, तो क्या आपके माता पिता आपको श्राप दे देंगे? क्या आपके माता पिता आपसे रुष्ट हो जाएंगे? तो जब आपके माता पिता रुष्ट नहीं हो सकते तो परमात्मा तो अलग चीज़ है, परमात्मा आपसे नाराज कैसे हो सकता है? परमात्मा इन सब चीज़ों का हिसाब किताब कभी नहीं रखता। परमात्मा उस चीज़ का हिसाब किताब रखता है कि आप जितनी देर मेरे पास बैठे तो उतनी देर सही तरीके से बैठे या नहीं बैठे। मैंने जो आपके लिए सुख के क्षण दिए थे वो आपने कितने भोगे, वो भोगे कि नहीं भोगे? ईश्वर इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखता है, पाप पुण्य का ईश्वर हिसाब नहीं रखता है। न किसी के ऊपर ईश्वर कभी नाराज होता है, आप चाहे पहले मंत्र का जाप करें या बाद में करें, इससे कोई ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आप भ्रमित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि आपको सही तरीके से वो मंत्र फलित हो सके। अब कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो गणेश की भी आराधना कर रहे हैं, दुनिया भर के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आपको यदि घर में पानी की ज़रूरत है और आप जो है 10 जगह यदि गड्ढे खुदवाएंगे 5-5 फुट, तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन 10 जगह की बजाय यदि एक जगह आप 50 फुट खुदवा दिए होते तो आपको पता नहीं कितना सारा जल मिल जाता। तो इसी प्रकार से यदि आप एक ही मंत्र का जाप करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, वो जल्दी आपको फलित होगा, उससे आपको जल्दी लाभ होगा। इसलिए जब हम जाप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की बजाय किसी एक मंत्र की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और एक ही मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। और इन सब भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम पहले किस मंत्र का जाप करें, कोई भगवान हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। भगवान कभी किसी व्यक्ति से नाराज नहीं होता है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हमने दीक्षा नहीं ली तो हमें मंत्र फलित होगा कि नहीं होता, होगा। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो दीक्षा क्यों ली जाती है? आप यदि कार सीखने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले जो है सिखाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो नहीं सिखाएगा तब तक आप कार कैसे चलाना सीखेंगे? आपको डॉक्टर बनना है तो आपको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, किसी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप जो है उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें मार्गदर्शन उसका मिलता रहे, इसलिए गुरु का वरण किया जाता है। बगैर गुरु के कोई भी मंत्र की सिद्धियां हमें सफल नहीं होती हैं। उसका कारण क्या है कि जिस प्रकार से हम बहुत सारी भ्रांतियां आपको बता रहे हैं, तो इस प्रकार की कई भ्रांतियां हमारे मन में आ जाती हैं। और जब हम गायत्री मंत्र की या किसी भी मंत्र की जब हम दीक्षा लेते हैं तो जब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी असमंजस की स्थिति आ जाती, कोई शंक आ जाती, तो हम सर्वप्रथम अपने गुरु से परामर्श करते हैं। तो गुरु मार्गदर्शक का काम करता है, गुरु फिर उन भ्रांतियों से आपको दूर करता है। अन्यथा क्या होगा कि आप दुनिया भर के वीडियो सुन लेंगे और उससे आप जो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए गुरु का वरण किया जाता है, और गुरु वरण ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जिसने उस मंत्र पर PhD की हो, उसने उस मंत्र पर शोध किया हो, उसने उस मंत्र को जाना हो। जिस व्यक्ति ने मंत्र का जाप ही नहीं किया है, कई लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने साधना की नहीं, कभी उन्होंने गायत्री मंत्र को जाना नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र की सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिसने गायत्री मंत्र को जपा है, जिसने गायत्री मंत्र को पहचाना है, उस व्यक्ति से यदि आप बात करेंगे, उसको यदि आप गुरु वरण करके आप गायत्री की साधना करेंगे, तो फिर आपको गायत्री मंत्र फलित होगा।
स्त्रियों को मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारियों को सम्मान होता है, जहाँ नारियों को सर्वप्रथम पूजा जाता है, सीताराम, राधेश्याम, शिव पार्वती, सर्वप्रथम शक्ति का आह्वान किया जाता है। यदि शक्ति नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन कहाँ से होगा? मनुष्य को पैदा करने वाली, इस दुनिया में लाने वाली माँ ही होती है। तो स्त्रियों के कैसे ये हो सकता है कि उनको अधिकार ना हो, कि वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकती, कि वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इन सब भ्रांतियों से हमें दूर उठना चाहिए, और जब तक आप इन भ्रांतियों में जकड़े रहेंगे तब तक जो है आप उन चीज़ों को का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ईश्वर हर व्यक्ति को लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तो वो ये थोड़ी देखता है कि ये किसी स्त्री का घर है, कि किसी विधवा का घर है, कि किसी युवा लड़की का घर है, कि किसी जो है नीची जाति का घर है, कि किसी ब्राह्मण का घर है, कि किसी संत का घर है। किसी संत का घर है तो उसमें अच्छे से मैं प्रकाश दूँ, किसी ब्राह्मण का घर है तो उसमें अच्छे से प्रकाश दूँ, किसी निम्न जाति का है तो वहाँ पर मैं प्रकाश ना दूँ, स्त्रियों का घर है तो उसमें मैं प्रकाश ना दूँ। ईश्वर कभी कोई भेदभाव करता है क्या? बारिश जब होती है तो सब जगह समान होती है। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव हमारे आदमियों ने कराया है कि स्त्रियां जाप नहीं कर सकती, क्यों जाप नहीं कर सकती? जिनको भ्रम है उन्हें शांति कुंज हरिद्वार जाना चाहिए, पूज्य गुरुदेव का जीवन पढ़ना चाहिए, पूज्य गुरुदेव के आश्रम में जाकर के देखना चाहिए कि कितनी महिलाएं नित्य गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं, पूज्य गुरुदेव से कितनी महिलाएं जुड़ी, कितने लोग जुड़े, और आज की तारीख में करोड़ों महिलाएं जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। स्वयं माता जी ने जाप किया, आज सैल दीदी स्वयं जाप करती, उनके साथ में बैठ करके अनेक देव कन्या जाप करती हैं। तो जब उनका अनिष्ट नहीं हुआ तो फिर आपका अनिष्ट कैसे हो सकता है? यदि कोई चीज़ है, कोई गणित है कि इसके करने से ये होता है, चाकू के काटने, चाकू जो है यदि उसकी धार को आप उंगली में लगाएंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, तो फिर उस उंगली को चाहे स्त्री लगाए, स्त्री उसको उंगली काटे, या पुरुष काटे, या कोई भी जाति वर्ण का काटे, तो उसकी उंगली कटेगी। वो थोड़ी देखता है चाकू की ये ब्राह्मण की उंगली है कि किसी संत की उंगली है, कि किसी पशु पक्षी की उंगली है। उसका काम है काटना। तो जो शाश्वत चीज़ है वो सबके ऊपर लागू होती है। तो यदि बुरा होना होता तो उन महिलाओं को सबसे पहले बुरा होना चाहिए था। जब उनका बुरा नहीं हुआ तो आपका कैसे बुरा हो सकता है? तो ये सब चीज़ों की भ्रांतियों में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब तक आप इन भ्रांतियों से नहीं उठेंगे तब तक आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। तो हमें ये सब चीज़ें देखना चाहिए। और भाग्य कभी किसी पूजा पाठ से नहीं बदलता है। हमारे मन में भी इस प्रकार के विचार हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, कि हमारा जो है इसमें ये सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। जो काम जिस काम के करने से होता है वो काम उसी काम के करने से होता है। आप पढ़ेंगे नहीं और आप जो है मंदिर में जाकर के भगवान को बोलेंगे कि मैं 1.5 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या मैं 11 माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करूंगा, आप मुझे पास करा दें, तो आप पास थोड़ी हो जाएंगे। मंत्र जो है व्यक्ति को शक्तियाँ देता है। मंत्र जो है व्यक्ति के विचारों को बदलता है। मंत्र जो है व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को दूर करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। जिस प्रकार से कि फूल खिलता है तो वो किसी से नहीं बोलता कि मुझे आप मेरी सुगंध को लेने आ पाएं, कितनी दूर कितनी ही झाड़ियों में छुपा हुआ होगा, लेकिन उसकी सुगंध लोगों को उस तक पहुँचा देती है। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है उसकी सुगंध लोगों तक पहुँच जाती है। तो गायत्री मंत्र बहुत कुछ देता है आपको। तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करते हैं तो उसे बाकी चीज़ें वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए और गायत्री की साधना व्यक्ति को करना चाहिए, तो उसे निश्चित रूप से अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमें दूसरों के जब तक हम विचारों पर चलेंगे तब तक हमें भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, शंकाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था,
करीब उसकी उम्र जो है 70 वर्ष की थी। उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, देखना उसमें से बंद हो गया था। उसके 8 बच्चे थे। तो उन लड़कों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब उसका परीक्षण किया तो बोले, भाई इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, बस छोटा सा एक ऑपरेशन दोनों का करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे आँखों का ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है, और अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं इस उम्र में देख करके करूँगा भी क्या। मेरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों की 16 आँखें, 8 मेरी बहुएँ हैं उनकी 16 आँखें, और मेरी पत्नी है 2 उसकी आँखें, 34 आँखें जो है मुझे दिखाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आँखों को और अपनी आँखों को ठीक करके करूँगा क्या, अब इस उम्र में अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करके करूँगा क्या। बच्चों ने बहुत समझाया, डॉक्टर ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी कि मकान में आग लग गई। लड़के बहू और उसकी पत्नी जो है बाहर आ गए। जब देखा कि कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं रह गया, सब आ गए कि नहीं आ गए, तो देखा पिताजी घर के अंदर ही रह गए। बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ, यदि उनकी आंखें होती तो वो बाहर आ जाते। तो दूसरों के अनुभव से, दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलने से व्यक्ति कभी सही दिशा में नहीं पहुंच सकता। हम सिर्फ यही गलती करते रहते हैं कि दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। आप अपना स्वयं का अनुभव करें। जब आप गायत्री की साधना करते, स्वयं का अनुभव देखें कि आपको गायत्री किस तरीके से दिखाई दे रही है, तो फिर आपको वो चीज़ फलित होगी। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को हमें दूर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो कई लोगों के मन में विचार आता है कि आचार्य जी, क्या हमें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है? कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ग्रस्त व्यक्ति के लिए इस प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। दैनिक साधना में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप कोई अनुष्ठान करते, अनुष्ठान अलग चीज़ होती जिसमें हम किसी मंत्र को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और कोई विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम कोई साधना करते जिसे अनुष्ठान बोलते हैं, तब फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती, तब हमें नियम कानून कायदे की आवश्यकता पड़ती है। बाकी समय पर हमें किसी प्रकार की कोई भी ब्रह्मचर्य आदि करने की आवश्यकता, ब्रह्मचर्य आदि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सब भ्रांतियों से हमें दूर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से यदि आप बच करके यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। अनावश्यक रूप से जो है किस दिशा में बैठें, कौन सा फूल चढ़ाएं, चंदन लगाना भूल गए, फलाना करना भूल गए, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें फलित नहीं होंगी। आप और ज़्यादा जो है उसमें विषाद में डूबते हुए चले जाएंगे और अनावश्यक रूप से अपने अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां पाल लेंगे। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसको अपने गुरु से परामर्श करना चाहिए। इसलिए कई लोगों के रहता है कि भाई अब गुरु तो नहीं है, तो गुरु नहीं है तो आप जो है शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। आप यदि हमारे वीडियो सुन रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने स्पष्ट बोला हुआ है कि गायत्री साधना से संबंधित किसी भी बारे में आपको जानकारी चाहिए, सिर्फ गायत्री साधना के संबंध में, तो आप फोन तुरंत ना लगाएं। आप व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हम शुरू में देते हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस पर आप एक मैसेज डाल दें कि आचार्य जी हमें गायत्री साधना से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, तो जो हम समय देंगे उस समय पर आप बात कर लें। हर एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप किस तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप कई लोगों की आदत क्या रहती है कि वो साधना के साथ साथ बात करते करते वो अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में जानना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बारे में हम स्पष्ट बोल चुके हैं कि गायत्री साधना से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको निःशुल्क मिलेगी। लेकिन यदि आपको अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर के कोई बात करना है तो उसके लिए आपको परामर्श शुल्क देना पड़ेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा व्यवसाय है। हम यदि सबको हर चीज़ फ्री में बताने लगेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। आपके लिए हमको जो राशि देना होती है वो कोई महत्व नहीं रखती, उतनी छोटी राशि, लेकिन थोड़े थोड़े पैसा करके हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है।
तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि जब आचार्य जी से इतनी सारी चीज़ें हमें फ्री में प्राप्त हो जाती हैं, तो हम अपने जीवन से जुड़ी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए, हमें उनकी परामर्श शुल्क देना चाहिए। हम किसी ना तो कोई किसी प्रकार का कोई डोनेशन लेते हैं, ना दीक्षा दिलाने के कोई पैसा लेते हैं, ना ही गायत्री साधना से संबंधित जानकारी का कोई पैसा लेते हैं, तो फिर हम सिर्फ कुंडली देखने की पैसा लेते हैं, तो उसमें फिर आपको कृपणता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अनावश्यक रूप से जो है, यदि हमने एक बार बता दिया तो वो लगातार फिर हमसे जो है फ़ोन लगा करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछते रहते हैं। फिर उनसे यदि हम अपनी शुल्क के बारे में बोल देते तो उनको बुरा लग जाता है, जबकि उनको स्वयं सोचना चाहिए कि भाई कितनी चीज़ हम फ्री में पूछेंगे, कौन ज्योतिषी आपको फ्री में बता रहा है। जो आप फीस जमा करते हो वो एक ही बार की होती है, बार बार की नहीं होती कि आपने एक बार फीस जमा कर दी फिर आप ज़िंदगी भर हमसे उसी राशि में पूछते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ना हम करते हैं, ना कोई भी अन्य ज्योतिषी करता होगा, कोई भी नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको जो है अनावश्यक रूप से लाभ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा मना करने से फिर आप लोगों को तकलीफ़ होती है और हमें भी तकलीफ़ होती है जब हम मना करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्वेच्छा से करना चाहिए कि आचार्य जी से हमें इतनी सारी चीज़ें वैसी प्राप्त हो जाती हैं, तो यदि हमने कोई राशि उनको हमने कुंडली दिखाने की दे दी तो हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि से हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा और आपका तारतम्य जो है वो हमेशा अच्छे तरीके से बना रहेगा, और गायत्री साधना से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको हम ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई लोग जो है कभी रात के 10 बजे फ़ोन लगा लेते हैं, कई लोग सुबह सुबह 4-5 बजे से फ़ोन चालू कर देते हैं, तो ऐसे समय पर फ़ोन नहीं लगाना चाहिए। 10:30 बजे के से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप फ़ोन लगा करके या व्हाट्सएप पर जो है मैसेज डाल करके फिर आप हमसे बात करें तो ठीक रहेगा। कई लोगों को हमने देखा है कि यदि उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला और हमने यदि वो मैसेज पढ़ लिया तो फिर उसके बाद में वो यदि हमने 1-2 मिनट तक उनको रिप्लाई नहीं किया तो तुरंत फ़ोन लगा देते हैं, या फिर बार बार जो है व्हाट्सएप पर जो है प्रश्न डालते रहते हैं कि आप उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए। तो ये देखना चाहिए कि भाई हम भी व्यस्त रहते हैं, हमारे पास में भी 50 काम रहते हैं, कोई एक ही काम नहीं रहता है कि आपने प्रश्न डाला और हमने उसका तुरंत उत्तर दे दिया। तो दूसरे का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप हमारा भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जब हम एक दूसरे के बारे में सोच करके चलेंगे तो फिर परिस्थिति अनुकूल रहेंगी और एक दूसरे का हम अच्छे तरीके से सहयोग कर पाएंगे। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, तो काम सही तरीके से बनेगा। आशा मित्रों, बहुत सारी भ्रांतियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी टूटेंगी और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए ताकि उनकी समस्त भ्रांतियाँ दूर हो सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बने रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।